हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडीएफ गुरु एकेडमी। पीडीएफ गुरु एकेडमी के इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आरआरबी जेई एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे, और इससे पहले मैं दो टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुका हूँ और ये हमारा टेस्ट पेपर तीसरा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पीडीएफ गुरु एकेडमी पर नए हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ये मौका है तैयारी करने का। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट पेपर थ्री होगा, जिसमें क्वेश्चन थोड़े इजी लेवल के हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं टफ लेवल के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा बी है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न माने फ्यूज होना, यानी जब दो या दो से ज़्यादा छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में दो या दो से ज़्यादा छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे, तो उसे बोलेंगे हम नाभिकीय संलयन। और इसके विपरीत होता है हमारा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में वितरित हो जाता है, टूट जाता है, इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसे यूरेनियम 235 पे जब हम अल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं और अलग अलग पार्ट में वो क्या विखंडित हो जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है, और नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी इसका जो राइट आंसर है हमारा बी होगा। दूसरी बात, जो सूर्य होता है, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, और वहाँ पे हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है 70%, और जो हीलियम है 28% पाया जाता है, और बाकी जो 2% हमारे बचते हैं अन्य गैस पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि सूर्य किन गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम, और ये भी पूछता है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन होता जो कि 70% होता है, और हीलियम 28% होता, बाकी अन्य गैसें होती हैं। बात करते हैं संवेग संरक्षण के। संवेग संरक्षण में क्या होता है कि किसी भी सिस्टम का जो संवेग होगा, मोमेंटम जो होगा, कांस्टेंट होगा, यदि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण में क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है वो कांस्टेंट होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का वो बी है। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, परमाणु बम में क्या होता, नाभिकीय विखंडन होता। जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में नाभिकीय विखंडन एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा डी है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। फ्रेंड्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा, रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के जो आविष्कारक हैं ये हैं अल्बर्ट टेलर, यानी इसके जो राइट आंसर हमारा सी है। रडार के जो आविष्कारक हैं अल्बर्ट टेलर हैं, और जो लैंड स्टेनर जिनका पूरा नाम था कार्ल लैंड स्टेनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की शुरुआत नहीं बल्कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और जो फ्रैंक विटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था, और जो मार्कोनी है, इनका नाम है गुलियेलो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स, रडार के जो आविष्कारक हैं उनका नाम है अल्बर्ट टेलर, कार्ल लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और मार्कोनी रेडियो की खोज की थी, और फ्रैंक विटल ने जेट इंजन की खोज किया था। तो फ्रेंड्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसका राइट आंसर हमारा डी है। और पाउली ने अपना एक नियम दिया था जिसे बोलते हैं पाउली के अपवर्जन का नियम के अनुसार क्या था कि कोई भी दो समान फर्मियान एक ही समय में एक क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकता। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो समान फर्मियान एक ही समय में एक क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकता। दो मिनट रुकिए, हम फर्मियान क्या होता उसके बारे में बताएंगे। तो इस
नियम के अनुसार, पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार, इसको दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, किसी एक ही परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम जो संख्याएं होती हैं एक समान नहीं हो सकती हैं, ठीक। तो इसे बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, और जो कण पाउली के अपवर्जन के नियम का पालन करते हैं उन्हें ही हम फर्मियान कहते हैं। यानी आपको अब समझ में आ गया होगा कि फर्मियान किसे कहते हैं, कि मतलब जो कण जो पाउली के अपवर्जन के नियम का पालन करते हैं उन्हें फर्मियान कहते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो ये जो होता है पाउली के अपवर्जन के नियम का पालन करते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन थ्योरी। और जो कण पाउली के अपवर्जन के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे बोसान कहते हैं, उसे हम बोसान कहते हैं। और बोसान का जो एग्जांपल है हमारा फोटॉन है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी चैडविक ने की थी। फ्रेंड्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने की थी। और मेंडलीफ ने जो आवर्त का नियम दिया था उन्होंने ये बताया था कि आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया, जो कि बाद में वो गलत साबित हुआ। उसके बाद हमारे मोजले साहब हैं जिन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया, और उन्होंने ये बताया कि आवर्त सारणी में जो हमारे जो एटम रखे गए हैं उस परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखे गए, और उनका ये नियम सफल हुआ। तो आवर्त के नियम जो दिया था मेंडलीफ ने दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने जो तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया था वो द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। उसके बाद ये उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, इसमें बहुत सारी कमियां निकली। बाद में मोजले साहब आए और उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया, और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। और आइंस्टीन ने अपना इक्वेशन दिया था E=mc², जिसके अनुसार अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसे c के लाइट के स्पीड अगर ट्रेवल करा दिया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हमारा डी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर था वो एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है हमारा बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था 1952 में। यानी इसका जो राइट आंसर है हमारा डी है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन हमारा धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित कण है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, यानी वो आवेशहीन है, चार्जलेस है। देखिए फ्रेंड्स, फिर इसी क्वेश्चन को 2-3 बार पूछ दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, और न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन हमारा आवेशहीन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन धनावेशित कण है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हमारा बी है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन आवेशहीन है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी चार्जलेस है। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 10 तक बात कर चुके हैं, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किए थे ऑटो हान ने, परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हान ने। तो यानी 11 का जो राइट आंसर हमारा ए है। और गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, और गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो प्रथम परमाणु बम बनाया गया था 1945 में। 12 यानी 12 का जो राइट आंसर है हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जो प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ट्रिक लोग बताते हैं ईटा पर नाचे, इसके अनुसार लोग बताते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, जो प्रोटॉन है उसकी खोज किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम जो दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। यानी जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका जो राइट आंसर हमारा सी है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे जे थॉम्सन ने। फ्रेंड्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसमें दो ऑप्शन है, ए रदरफोर्ड, बी गोल्डस्टीन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था लेकिन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। तो यानी 14 का जो राइट आंसर है हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। यानी 15 का जो राइट आंसर है हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 16, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? पोलियो के टीका का खोज किया था जान ई साल्क ने। जान ई साल्क ने पोलियो के टीका का खोज किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हमारा बी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कारक थे। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी, सॉरी पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो 18 का जो राइट आंसर है हमारा बी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? यानी अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो होती है वो गामा किरणों की होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 20 सेज दैट टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीस्कोप का सॉरी टेलीफोन का आविष्कार किया था, और गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा सी, टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर सिस्टम को खोजा था कापरनिकस ने। कापरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। यानी जो 21 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है हमारा ए है। और केपलर साहब ने क्या क्या केपलर साहब ने क्या किया था कि ग्रहों संबंधित तीन नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे उसके डिस्कस कर लेते हैं। पहला नियम था कक्षाओं का नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसके अनुसार उन्होंने ये बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में एलिप्टिकल पाथ में परिक्रमण करते हैं और सूर्य एक फोकस पर होता है। तो ये हमारा था केपलर का प्रथम नियम जो कक्षाओं से संबंधित था। केपलर का द्वितीय नियम क्या कहता? वह एरिया का नियम था, यानी क्षेत्रफलीय चाल का नियम था, जिसके अनुसार उन्होंने ये बताया था कि किसी भी ग्रह को सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल कवर करती है। मतलब जो एरिया जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, क्षेत्रफल हमारा जो है नियत होता है। और जो तीसरा उन्होंने नियम दिया था वो लॉ ऑफ पीरियड था, मतलब परिक्रमण काल का नियम दिया था केपलर ने। परिक्रमण काल के नियम के अनुसार किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण काल जो कैपिटल टी होता उसका जो वर्ग होता है उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ग अर्ध दीर्घभिज अक्ष यानी सेमी मेजर एक्सिस, जिन्होंने हमने नाम दे रखा था ए, उसके तृतीय घात के क्या होता अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो टाइम पीरियड होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो ये हमारा जो था ये केपलर का थर्ड लॉ था, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। और न्यूटन के तीन नियम थे, कौन कौन से? प्रथम नियम क्या था कि अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में तो विरामा अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और दूसरा नियम ये था कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, मोमेंटम क्या होता है हमारा कॉन्स्टेंट होता है। और तीसरा नियम था एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो फ्रेंड्स नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहते हैं नाभिकीय विखंडन में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो सी है। और मेंडलीफ ने
आवर्त का नाम दिया था, सॉरी आवर्त का नियम दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने किसी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है, जो कि बाद में ये फेल हो गया था। उसके बाद मोजले साहब आए थे, उन्होंने अपना आवर्त नियम दिया था जिसके अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया था, और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ ये, और आज भी सक्सेस है। और जो मैडम क्यूरी जो थे, मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था, और जो रंजन है ये एक्सरे का इन्होंने आविष्कार किया था। और क्वांटम सिद्धांत तो हमने बता दिया, मैक्स प्लैंक ने दिया था। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया? रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था हेनरी बेकुरल ने, हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था। 24 का राइट आंसर ए है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स जो बिग बैंग थ्योरी है डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है, जो ये कहता है कि हमारा यूनिवर्स लगातार बढ़ता जा रहा है, ये बिग बैंग थ्योरी ये हमारा डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म कण है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन सबसे सूक्ष्म तत्व है? तो फ्रेंड्स इसमें जो हाइड्रोजन है सबसे सूक्ष्म तत्व है, सबसे छोटा तत्व इसमें हाइड्रोजन है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। तो 27 का जो राइट आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किए थे मिलिकान ने, मिलिकान ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था, यानी राइट आंसर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 29, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? यानी परमाणु में जो कण उपस्थित है उसमें सबसे हल्का कण कौन है? तो सबसे हल्का कण हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, हमारा पार्टिसिपेट होता है। 29, 30 की बात करते हैं, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सहायक है? फर्स्ट ऑप्शन कार्बन-14, यूरेनियम, कोबाल्ट, पोलोनियम। तो फ्रेंड्स लकड़ी की आयु का निर्धारण करने के लिए हम कार्बन-14 का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन-14 का इस्तेमाल। यानी 30 का जो राइट आंसर हमारा ए है। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसान। तो पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, तो यानी इसका जो राइट आंसर है हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? तो पृथ्वी का आयु का आकलन हम करते हैं कार्बन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से हम पृथ्वी के आयु का आकलन करते हैं, यानी जो 32 है उसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 33, गामा किरणें की खोज किसने की थी? गामा किरणें की खोज की थी पॉल बिलियार्ड ने, पॉल बिलियार्ड ने गामा किरणें की खोज की थी। 33 का जो राइट आंसर है हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसने किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म के आयु का जो निर्धारण होता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण हम करते हैं, तो यानी 34 का जो राइट आंसर है ए है। क्वेश्चन नंबर 35, पोलिनियम की खोज किसने की थी? पोलिनियम की खोज किया था मैरी क्यूरी ने, मैरी क्यूरी ने पोलिनियम की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 36, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय रैमजे को जाता है, यानी अक्रिय गैस जिसे इनर्ट गैस बोलते हैं, जो हाइड्रोजन हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टॉन जिनान जो है इसे बोलते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, और इसका जो खोज किया था रैमजे ने किया था, यानी 36 का जो राइट आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 37, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है,
नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है, यानी राइट आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। तो हाइड्रोजन बम विकसित किया था सैमुअल कोहेन ने, सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम विकसित किया था, यानी 35 का जो राइट आंसर है डी है। क्वेश्चन नंबर 39 और आखिरी क्वेश्चन है आज का, परमाणु बम का विकास किसने किया था, परमाणु बम का विकास किए थे जे रॉबर्ट ओपन हीमर ने, जे रॉबर्ट ओपन हीमर ने। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेस्ट पेपर 3, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक आप हमारे चैनल पीडीएफ गुरु एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम बात करेंगे टेस्ट पेपर 4, यानी टेस्ट पेपर 4 का कल हम डिस्कस करेंगे और इससे लेवल काफ़ी अच्छा होगा उसका, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक पीडीएफ गुरु एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।